तो आज हम जान लेते हैं कुछ ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स के बारे में तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी तो इसका आंसर आएगा टू जीरो सिक्स बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मसल तो ह्यूमन बॉडी में थ्री सिक्स थर्टी नाइन मसल्स होती है अप्रोक्सीमेटली ठीक है फिर पूछा है मास्टर ग्लैंड कौन सी ह्यूमन बॉडी की तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है पी आई टी यू आई ए e आर वाई पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी को मास्टर ह्यूमन बॉडी की मास्टर ग्लैंड खिलाती है इसके बाद पूछा है स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है तो ईयर की बोन जो है जिसे हम स्टेपीज बोलते हैं ये सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की इसके बाद पूछा है स्ट्रोंगेस्ट बोन कौन सी होती है तो जो फीमर है जो कि जांग की हड्डी होती है ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी फाइव सेंटीमीटर तक होती है इसके बाद पूछा है टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी है रिब्स कितनी है ट्वेल्व का पेयर होता है ट्वेल्व का पेयर मतलब ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व इजल टू ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फिफ्थ बोन्स होती है रिब की जिसे हम स्टेरनम बोलते हैं और स्टेरनम का दूसरा नाम होता है ब्रेस्ट बोन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन तो जो सेरेब्रम पार्ट जो होता है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोस्ट अबंडेंट टिश्यू हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है तो सी टी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो है ठीक है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला टिश्यू है इसके बाद है लाइफ स्पैन ऑफ आर बी सी आर बी सी की लाइफ स्पैन कितनी होती है तो नब्बे से लेके एक सौ बीस दिन एक सौ बीस दिन की जो आर बी सी की लाइफ स्पैन होती है इसके बाद पूछा है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है तो जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पर्सन है वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं और यूनिवर्सल रिसिप्टेंट ब्लड ग्रुप कौन सा है तो जो वो वो ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसिप्टेंट ब्लड ग्रुप है इसके बाद पूछा है लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड कौन सी है तो जो पैरोटिड ग्लैंड है वो लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड है इसके बाद पूछा है वेट ऑफ किडनी किडनी का वेट कितना हो, होता है तो वन फिफ्टी ग्राम्स होता है किडनी का वेट इसके बाद पूछा है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी तो जो ऑर्गन है वो है स्किन और जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लीवर ठीक है इसके बाद पूछा है नी कैप बोन कौन सी है तो इसके बाद पूछा है नी कैप बोन कौन सी है तो जो पैटीला बोन होती है उसे हम घुटने की जो हड्डी होती है उसे हम नी कैप बोन कहते हैं इसके बाद पूछा है इज का दूसरा नाम बताओ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अनुसार तो जो आरबीसी का मेडिकल टर्म के अंदर नाम होता है दूसरा वो होता है अर्थ्रोसाइट और डब्ल्यू बी सी का जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर नाम होता है होता है ल्यूक्योसाइट और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स ठीक है इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन्होंने पूछा है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल तो जो ब्लड वेसल की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिया ठीक है इसके बाद पूछा है इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल तो जो इनर मोस्ट लेयर होती होती है ट्यूनिका इंटीमा इसके बाद पूछा है लेयर ऑफ ब्रेन तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्रेन की उसे हम बोलते हैं डूरा मैटर मिडल जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं अरेकनोइड और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पिया मैटर इसके बाद पूछा है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट हार्ट के आउटर मोस्ट क्लियर के बारे में बताना है तो उसका नाम होता है पेरिकार्डियम इसके बाद पूछा है पीस मेकर ऑफार्ट ऑफ हार्ट बोला जाता है ऐसे नोड को ठीक है इसके बाद पूछा है बीन शेप्ड वाइटल ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का तो बीन शेप्ड जो ऑर्गन है ऐसा शेप का वो है किडनी इसके बाद पूछा है इनर मोस्ट लेयर ऑफ़ वॉल ऑफ़ आई तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई है रेटिना इसके बाद पूछा है हमसे बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड कौन सी है तो जो थायराइड ग्लैंड जो है वो होती है बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ठीक है इसके बाद पूछा है ऑर्गन विथ सीगरेट बाइल ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो बाइल सीगरेट करता है सीक्रेट करता है तो जो लीवर है वो बाइल को सीक्रेट करता है इसके बाद पूछा है फर्स्ट पार्ट ओ स्म इंटेस्टाइन सबसे पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है तो जो ड्यूडेनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है तो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग